A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson from our literature portion, that is the Hundred Dresses Part 1, which is written by Albusor Esther. Here, Albusor uh, Albus is a female renowned author and she is known for her children's story. And the Hundred Dresses series is one of her famous writings. She was just gone, got born on May, 19, May 9, 1906, and she got died on July 15, 1988. She was an American children's author. So, this is uh, a kind of story in which we will conclude all this uh, important point. Uh, for example, how we judge the people around us by their money, by their wealth, or the possession. So, all these things will be prevailed throughout the story. But before uh, starting our, uh, you can say our lesson, let us get started. Uh, uh, you can say let us know how Elvira started his her writing of the children's story. Here, Elvira says, uh, when she was uh, in her early years, she got suffered with tuberculosis, at a particular li uh, time she was just. Uh, Resting on bed, and she started started uh, to recollect uh, her memories from the past, uh, from her childhood, and then she started writing. Then after that, uh, those uh, real incidents turn up to the stories for the children. And after that, all these stories were recollected in a uh, one book, and this series is known as the Hundred Dresses. So here we have the Hundred Dresses Part One. Here we come to know.

क्या उसके कितना उसके पास कितनी चीज़ें हैं यानी उसके पोजिशन से या फिर इन सबसे ज़्यादा है कि आप पर्सन की वैल्यू जो व्यक्ति है आ, वो इन सबसे ज़्यादा बढ़कर है सो दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जस्ट बाय हर क्लासमेट सो ये एक स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम वनडा पेट्रॉसन पेट्रॉन्स की है जो एक पॉलिश गर्ल है जो स्कूल जाती है दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ लेकिन उसके ही कुछ क्लासमेट उसको टीज करते हैं चिढ़ाते हैं दीज अदर चिल्ड्रन उसी वांडा इज डिफरेंट इन मैनी वेस सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ अमेरिकन चिल्ड्रन इन हर क्लास जस्ट ट्रीट हाउ दे जस्ट ट्रीट हो

बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमाइ्रेशन अकर्ड इन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी लेकिन जो रियल सबसे लार्जेस्ट वेव थी कि पोलैंड के लोग इमाइ्रेट होकर कहाँ आ रहे थे अमेरिका में वो था ट्वेंटी सेंचुरी का की अर्ली इरा सो वैन मोर देन वन मिलियन पोल्स माइग्रेट दन यूनाइटेड स्टेट इट मीन्स ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग में वन मिलियन पोल्स माइग्रेट हुए थे कहाँ से पोलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स में तो उनमें से हमारी वेंडा पैटर्न्स की भी आ, थी सो पॉलिस स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन अदर देन टू थैंटिसिटी। सो उस टाइम पे अमेरिका में कोई पॉलिस स्टेट जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था जो इम थे वो सिर्फ अपनी कंट्री और यू कैन से अपनी चीज़ों के बारे में जाना जाते थे ना कि उनकी सहूलियत के लिए कि वो कितने एथेनिक हैं सो दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स जर्मन पॉल्स एंड ऑस्ट्रियन पॉल्स इट मीन्स वो अमेरिकन पोल्स होने से पहले उनको रशियन पॉल्स जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से जाना जाता था वन ऑफ़ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज़ इन शिकागो एंड इट्स सब्स सो शिकागो इज़ समाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ है वो शिकागो में पाई जाती है और इसके ही प्रांतों में पाई जाती है इसलिए कई बार शिकागो को दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी कहा जाता है बिकॉज पहले तो पोलैंड है जहाँ पोलिश लोग रहते हैं राइट नेक्स्ट ओनली टू द वॉर सो हीयर द फर्स्ट वन इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड इन विच यू कैन से द नंबर ऑफ लार्जेस्ट पॉलिश Uh, was just used to leave that is Warsaw. So Polish American were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish Italians and Jews. America may Irish Italian or Jews ke saath, saath Polish logo ko bhi, ke saath bhi kiya jata tha. After that we come to know according to the United States 2000 census it means six six seven four one four American uh, of is five years and older रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम विच इज़ अबाउट फोर परसेंट ऑफ द पीपल हु अदर देन इंग्लिश और जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ द यू एस पॉपुलेशन इट मीन्स अब यूनाइट स्टेट्स जो आ, दो हज़ार बीस में सर्वे किया गया उसके हिसाब से जो अमेरिका अमेरिकन थे उनके और उनके थोड़े से जो बच्चे थे जो फाइव ईयर्स तक थे ओल्डर थे वो जो पॉलिश से उनकी लैंग्वेज को घर पे बोला जाने लगा लगभग सिर्फ जीरो पॉइंट टू परसेंट ही येस पॉपुलेशन में पॉलिश लैंग्वेज को दर्जा दिया गया था अदरवाइज इंग्लिश वहाँ बोली जाती थी सो so, हमें पता चलता है कि हमारी मेन कैरेक्टर दैट इज़ वेंडा यहाँ पे वेंडा जो है वो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करती है जो पोलैंड आवर न्यू लेसन दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हंड्रेड ड्रेसेस Here हेयर वी कम टू नो दैट द डे Monday. Here today Monday. Our author says आज मंडे है When the की was not in her seat और वेंडा पैट्रन्स की अपनी सीट पर नहीं है इसका मतलब वो किसकी सीट पर नहीं है स्कूल में अपनी सीट पर नहीं है इट मीन्स हेयर वी गेट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ वेंडा पैट्रॉन्स की ओके ना वेंडा पैट्रॉन्स को किसी ने नोटिस नहीं किया नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन पैगी एंड मैडलिन आर टू ऑफ द क्लासमेट ऑफ आवर पैटर्न की वेंडा यू कैन से एंड आफ्टर दैट बिकॉज दे दे नोन फॉर दिस लेसन पैगी एंड मैडलिन बिकॉज दे स्टार्टिड ऑल द फन वो कौन सा फ़न था कौन सा मजाक था वी विल गेट टू नो आफ्टर दैट यूजअली वेंडा सेट इन दीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर थर्टीन रूम नंबर तेरह में यूजअली वेंडा लास्ट सीट पर लास्ट सीट से एक सीट छोड़कर और लास्ट रॉ में बैठा करती थी रूम नंबर थर्टीन में शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेद रफ बॉयज हुई गुड मार्क्स सेट वो वहाँ बैठा करती थी जहाँ पर नलायक बच्चे बैठा करते थे जिनके गुड मार्क्स नहीं आते थे बट क्या वो इस बात से हमें पता चलता है कि वो नलायक थी नहीं क्या रीज़न थे पता करते हैं द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देर वॉज मोस्ट कफलिंग ऑन द फीट सबसे कॉर्नर जो सबसे गंदा माना जाता था बिकॉज वहाँ पर पैरों के हद ज़्यादा निशान थे इट मींस वहाँ पर वो स्कलिंग करते थे पैरों को मार मार के नॉइज़ प्रोड्यूस करते थे मोस्ट फ्रॉर ऑफ द लाफ्टर सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ें वहीं से आती थी, थी जब भी कोई बात क्लास में फ़नी कही जाती थी एंड मोस्ट मर्ड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर सबसे ज़्यादा क्लास में वहीं मर्ड और डर्ट थी चलिए अब बात करते हैं वेंडा की वेंडा वहाँ क्यों बैठा करती थी वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी वो इसलिए नहीं बैठा करती थी कि वो नालायक थी या फिर बहुत शोर मचाती थी बल्कि ऑन द बल्कि इसी के विपरीत वो बहुत ही शांत और शायद ही कुछ कहने वाली लड़की थी एंड नथिंग हैड एवर हर्ड हर लाफ आउटल और शायद ही कभी किसी ने उसको हंसते मुस्कराते हुए सुना होगा समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन ए क्रूब्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल कई बार वो अपने माउथ को थोड़ी सी यानी कि अपने फेस को थोड़ी सी स्माइल uh, के एजस्टर के साथ दिखा रही थी बट दैट्स ऑल बट इतना ही था इससे वो तो कभी नहीं हँसी नो बटी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट ऑन देट दे सीट एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्राम बेगिंग बॉगिंग हाइट्स जब तक कि हमें ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आती है बॉगिंग हाइट्स से आती है एक जूहे का नाम है ये एंड हर फीट व यूजली केकड विद ड्राई मर्ट और वो इसलिए पीछे बैठा करती थी क्योंकि उसके जो फिट थे यानी पैर थे वो पूरी तरह मड में यानी मिट्टी में जो कहाँ की थी बोगिंग हाइट्स की थी उसमें धस जाते थे और और वो हमने पैरों को मुश्किल से उन मिट्टी वाले एरिया से निकालने के बाद और जो जैसे ही निकालती है और उसके सारे पैर जो है वो गंदे हो जाते हैं और सारी मर जो है उसके पैर पर चिपक जाती है इसलिए वो लास्ट रूम यानी कि बैक रूम से बैक डोर से आके लास्ट रोम में सेकेंड लास्ट पर बैठ जाती है और वहाँ का जो फ्लोर है वो काफ़ी मडी और आ, ग्रीसी हो जाता है ना बट नो रियली थॉट्स मच अबाउट वेंडा पेंटोस की बट ज़्यादा कुछ कोई नहीं जानता वेंड वेंडा के बारे में वंस सी शेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एक बार तो वो कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठी गई द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट आउटसाइड ऑफ द स्कूल आर्स एट नोन टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली फ्रॉम बिफोर बिगिन स्कूल बिगिन वैन ग्रुप ऑफ टू और थ्री और इवन मोर कूड़ बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड कई बार ऐसा होता था कि भाई जैसे स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल के टाइम आते वक्त कभी जाते वक्त कभी नून टाइम में वेंडा के लिए वेट करते थे कि वो उसका मजाक उड़ा सकें दो या दो से ज़्यादा कोई ग्रुप में इकट्ठा हो जाता था तो वो वेंडा की बात करता उस पर हंसता था वो भी स्कूल यार्ड में ही बट वो ऐसा क्यों होता थान समाइम दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हा वो वे वेट सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो उसको मजाक उड़ा सके द नेक्स्ट डे इज़ ट्यूजडे अब नेक्स्ट डे आ चुका है मंगलवार आ चुका है पेंडा आज भी स्कूल नहीं आई है और आज भी किसी ने उसको नोटिस नहीं किया है लेकिन अब नेक्स्ट डे आ गया है दैट इज़ वेडनेसडे वेडनेसडे को पैगी और मैडी दोनों ही ने ही उसको गौर किया क्योंकि उनके क्लास में कहीं पर भी मड के यानी कि मिट्टी के पैरों के निशान नहीं हैं तो उनको लगा दैट वेंडा वॉज इन तेर पैगी वॉज द मो मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल पैगी जो थी वो बहुत ही पॉपुलर और फेमस गर्ल थी अपने स्कूल की क्यों क्योंकि क्यों, वो बहुत सुंदर थी और वो बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ्स पहनती थी और उसके कर्ली हेर्स थे सो मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड द रीज़न पैगी एंड मै डी नोटिस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल वो कई बार उसका फ़न उड़ाने के लिए यानी कि उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका वेट करते थे तो इस चक्कर में अब वेंडा जब नहीं आ रही है तब तो उसका वेट कर करके स्कूल में लेट पहुँचते थे दे वेटेड एंड वेटिड फॉर वेंडा टू हैव समन विद हा एंड शी जस्ट हैड एंड कम वो नहीं आती लेकिन वो उसका इंतज़ार करते रहते ताकि वो उसका मजाक बना सकें दे ऑफ्टन यू कैन से दे ऑफ्टन वेटेड फॉर वेंडा पेटन्स की टू हैव फनविद और इन शॉर्ट यू कैन से वेंडा पेंटन्स की का वेट इसलिए किया जाता था ताकि उसके साथ मजा किया जा सके ना वी हैव फॉर द क्वेश्चन टू विच वी हैव टू

जो कड़ी थी या कैन से जो पहला पहलू था फर्स्ट फेज था वो था कि उसका नाम ही दूसरे बच्चों से अलग था दूसरे बच्चों के नाम जो थे वो इजी थे कहने में लाइक टॉमस स्मिथ एलन बट एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस विली बाउंस जिसे हम कहते हैं एंड पीपल थोर डेट वॉज फनी और जो आसपास के लोग थे वो सोचते थे बहुत फ़नी है बट इतना फनी नहीं जितना कि वेंडा पेट्रोस्की का नाम था वेंडा डिन नोट हैव एनी फ्रेंड So, no friend. She came to school alone and went home alone. Always, some uh, always she always wore a faded blue dress, and that did not have uh, so, sorry, and did not hang right. It was clean, but it looked as though it was never ironed properly. Right, so she didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes, they surrounded her in the schoolyard as she, as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground here hopscotch means a game in which the children hop uh, you can say into and over squares marked on the ground right सो वी कम टू नो दैट वंडा का कोई फ्रेंड नहीं था वो हमेशा अकेले आती जाती थी और वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडिड ड्रेस पहनती थी जिसे ठीक प्रॉपर्ली तरीके से हैंग भी नहीं किया जाता था टांगा भी नहीं जाता था वो क्लीन थी बट उस पर प्रेस नहीं की गई थी और उसके बहुत कम उसके शायद कोई दोस्त ही नहीं था उसकी बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी क्योंकि वो कई बार ग्राउंड में होने वाले गेम्स का नाम होप स्कॉच था उसको खेलती हैं ना हो उनमें से अब जब पैगी वेंडा के पास जाती है वो कहती है वेंडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कटियस मैनर एज शी टॉकिंग तो टू तो मिस मैसन इट मिस मिस मैसन उनके टीचर का नाम है तो यहाँ पैगी मिस मैसन को जितनी कर्टियस तरीके से समझा सक कहती हैं उतने ही प्यार से उसने नाम लिया वेंडा वेंडा तुम हमें बताओ हाउ मनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोज़ेट तो वो कहती है कि तुम हमें बताओ कि तुम्हारे कितने सारी ड्रेसेस हैं जो तुमने अपने क्लोज़ेट में टांगी हुई हैं अ हंड्रेड वेंडा हु से इट मीन्स क्या है अब एक गेम शरीज ड्रेसेस कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं ये किसने स्टार्ट किया है पैसी ने सॉरी uh, पैगी ने सो so, वो कहती है मेरे पास एक सौ है या फिर एक हंड्रेड है पेंडा कहती है अब सारी लड़कियाँ हॉप्स कोच खेलना बंद कर देती है और वो सुनती हैं कि सो ड्रेसेस इट कुड नॉट बी पॉसिबल राइट सो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास हंड्रेड हैं और सारी जैसी दिखती हैं मे बी सारी सिल्क की हो सकती हैं मे बी वेलवेट की हो सकती है कि नहीं ये बात कौन कहती है पैगी किसको अपनी वेंडा को देन वेंडा जवाब देती है यस yes, वेलवेट की भी है और मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं और फिर से वो अपने लिप्स को क्लोज कर लेती है लेकिन उसके जाने के बाद वापस द अदर गर्ल्स कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इन द शेक्स एंड द पिल्स ऑफ लाफ्टर दैट मीन्स वो जो लड़की है वो बहुत बड़ा मजाक बनाती है वो कहती है हंड्रेड ड्रेसेस ऑबियसली द ओनली ड्रेस वो अंडा वाड वाज द ब्लू वन शी व एवरीडे क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेसेस है वो ब्लू कलर की जो फेड हो चुकी है जिससे हम वो हमेशा डेली डालती है सो शी से ही शी हैड हंड्रेड अब लड़कियों को इस बात का मज़ाक उड़ाने का मौका मिल गया कि भाई उसके पास है तो एक ही ड्रेस लेकिन वो बार बार में अपने पास हंड्रेड ड्रेसेस क्यों बता रही है वट इज़ स्टोरी ये क्या ये क्या कहानी हुई अब किसी ने उससे पूछा कि उसके पास कितने शूज़ हैं देन शी से सिक्सटी पेयर्स सभी को मैंने क्लोजेट में लगा रखा है देन शी क्राइज वो सारे uh, एक जैसे हैं नाउ और ये बात किसने कही कि वो सारे एक जैसे हैं ये पैगी कहती है दन कहती है नहीं नहीं सारे डिफरेंट हैं सब कलर के हैं सारे एक लाइन में हैं पैगी हु हैड थोट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर friend फ्रेंड always द लास्ट to leave अब पैगी ने जो जो ये गेम स्टार्ट किया था कि वेंडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं हैट्स हैं और शूज़ हैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट पैगी ने की थी मैगी मैडी भी उनमें इन्वॉल्व थी बट फाइनली वेंडा मूव वुड मूव अप द स्ट्रीट आइज डल एंड हर माउथ क्लॉज हिचिंग हर लेफ्ट शोल एवरी वन नो एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हेड फिनिशिंग दुक द स्कूल इट मीन्स अवर पोस्टर जेस्टर बताए जा रहे हैं कि हमारे uh, बताया जाता है कि किस तरीके से हमारी uh, वेंडा जो है वो चलती है वो थोड़ा शोल्डर को लेफ्ट करके चलती है और काफ़ी फ़नी वे में चलती है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं आफ्टर दैट पैगी हमें पता चलता है नेक्स्ट पैराग्राफ में पैगी कोई एक क्रूल या निर्दयी लड़की नहीं है वो हमेशा छोटे बच्चों को बुलिस से बचाती है बुलिस क्या होते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पावर होती है और दूसरे जो वीक पीपल होते हैं उनको डराते हैं राइट एंड शी क्राइड फॉर आर्ट इफ़ शी सा एन एनिमल मिस्ट्रीटेड इवन शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द एनिमल्स If they will treat as mistreated, so here we come to know that if anybody has said, हाइ डोंट यू थिंक अगर कोई उसे ये कहता है कि तुम्हें तो नहीं लगता तुम तो वोंडा के साथ बहुत बुरा कर रही हो तो वो कहते हैं कि बुरा शायद तो मैं बुरा नहीं कर रही हूँ बट उस गर्ल को सोचना चाहिए कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस नहीं है फिर भी वो एक झूठ बोल रही है कोई उसे बताओ कि एक झूठ है वो इस बात को क्यों बोल रही है कि उसके पास हंड ड्रेसेस जबकि वो झूठ है एंड शी वॉज एंड ऑर्डनरी एल्स वाई डेड शी अ नेम लाइक दैट अब क्या वो एक बुर्डनी पर्सन भी नहीं है कि उसके पास एक ऑर्नरी सा नाम भी नहीं है एनी वे दे में नेवर मेड हर कराई ये सारी चीज़ें उसको कभी भी uh, और नहीं रुलाती सिर्फ पैगी वैसे अच्छी लड़की है वो चीज़ों से लिंकअप कर सकती है बट यहाँ उसको ये चीज़ें झूठ नजर आ रही हैं इसलिए वो इस बात को जानना चाहती है कि वो क्या चीज़ है एज फॉर मैडी द बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसिस हाउ मनी है एंड हाउ मैनी दिस शी हैज़ बोड रिंगा अब मैडी को भी ये बात पसंद नहीं आने लगती कि वो डेली डेली उसे कितनी ड्रेसेस कितनी हैट कितने शूज सब वो पूछती रहती है आ, पैगी क्योंकि मैडी खुद एक पोअर बैकग्राउंड से लड़की है और वो दूसरों के दिए हुए क्लॉथ्स पहनती है थैंक्स गुड नाइट शी डिन नॉट पिक अपट्स और हैव ए फनी नेम बट वो इस बात से खुश है कि मैं कहीं बॉगिंग हिट से हाइट से नहीं आती हूँ और मेरा कोई फ़नी नेम नहीं है लाइक वेंडा सो सम टाइम कई बार ये होता है वेन पैगी वॉज आस्किंग स्किंग वैन अ दोस् क्वेश्चन इन मॉकिंग और पोलाइट वे मेरी लेफ्ट एम्बरेस्ड एंड स्टडी द मार्बल इन द फार्म ऑफ हैंड रोलिंग द मेराउंड सेंस नथिंग हर सेल्फ अब क्या है कि कई बार जब मैगी सॉरी पैगी जो है वो मंडा का मजाक उड़ा रही होती है तो वहाँ से मैडी उठ चली जाती है बिकॉज शी आर फीलिंग एम्बरेस्ड और वहाँ जा वहाँ से जाने के बाद अपने हाथों में मार्बल्स को लेकर खेलती रहती थी और कुछ नहीं कहती थी नॉट दैट शी फेल सॉरी फॉर वंडा ना तो वो सॉरी ही मांगती थी और ना ही वो कुछ कहती थी एग्जैक्टली शी वुड नेवर पेड एनी टेंशन टू वंडा इफ़ पैगी हैड द ड्रेसिस गेम वो कभी वेंडा पे वे, कभी ध्यान ही नहीं देती अगर पैगी ने वो ड्रेस गेम स्टार्ट नहीं किया था अब ड्रेस कैम किया था कि वो उससे पूछती है कि अभी पास कितने ड्रेसेस हैं वो कहती है मेरे पास हंड्रेड है जो कि उसके पास नहीं होती हैं बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन हर ओन नेक्स्ट शी वॉज एज पुअर एज वा अब ये है कि बस वही चाहती है कि मैं उस जितनी पुअर मैं पुअर उस जितनी नहीं हूँ लेकिन मैं गरीब तो फिर भी हूँ आई हैव सम मे सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वन डा अफकोर्स शी वुड हैव सम मोर सेंस दैट शी हैड हंड्रेड ड्रेसेस वो कहती है कि शायद मेरे पास ज़्यादा सेंस है उससे कि मैं नहीं कहती मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर शी विज पैगी और स्टॉप टीजिंग वेंडा वो सिर्फ ये चाहते थे कि वेंडा को टीज करना बंद कर दें टुडे इवन दो दे देट टू स्कूल आज भी वो लेट हो गए हैं स्कूल के लिए अब जो हमारी मैडी है अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम को अपसेंट माइंडेडली यानी उसका ध्यान कहीं और है आ, uh, वो सॉल्व कर रही है अब उसका ध्यान कहाँ है वो वहाँ है कि वो पैकी को एक नोट लिखना चाहती है जिसमें वो बड़े करेज तरीके से ये कहती है कि हे hey, पैग तुम्हें अब स्टॉप कर देना चाहिए रुक जाना चाहिए वरना से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं जब वो ये सारी चीज़ें बंद कर देगी यानी फिनिश कर देगी तो इट विल बी बून बट जैसे वो लेटर को फिनिश भी नहीं कर पाती है और अपने अर्थोमेटिक जो यूनिट है वो ख़त्म करती है Uh, वो उसके बाद ये सब सोचती सोचती वो सोचती है कि अब ना दिस करेक्ट टाइम टू रिटर्न डाउन द नोट फॉर पैगी ओके नॉट सडनली पॉज एंड शर्डर्ड वो एकदम से रुकती है और यू uh, कैन एक से एकदम से हिचकिचा जा जाती है शी पिक्चर हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड अब वो सोचती है कि अगर मैंने उसको भी लेटर लिखा तो मैं भी किसी स्कूल यार्ड मैं स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होंगी और पैगी और अदर गर्ल्स मेरा भी मजाक उड़ाएंगी तो मैं ये लेटर नहीं लिखूंगी तो अब क्योंकि कई बार उसको ये ऐसा इसलिए लगा क्योंकि पैगी ने कई बार उससे अपने ओल्ड वन जो क्लोथ थे उसके पैगी के ओल्ड वन क्लोथ जो मैडी की मदर को दिए गए थे ताकि वो मैडी को पहना सके उसके ऊपर कई बार वो पूछ चुकी है कि ये ड्रेसेस तुम्हें किसने दी हैं तो ये बात तो उसको काफ़ी पिंच होती है बट शी नेवर माइंड आफ्टर दैट वो उसी ड्रेसेस को नया करके पहन लेती ताकि कि किसी को पहचान में न आए ना आफ्टर दैट वी कम टू नो ये सिर्फ पैगी ही थी जो से अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि वो वेंडा का कितना मजाक उड़ाएगी ओ वेल मेडी रन हर हैंड थ्रो हर सोटल ब्लड हेयर थोड़ सब है अब वो लिखते लिखते पेन के साथ अपने हाथ में हाथ से अपने बालों को पीछे की तरफ फेंकती है आ, फिर वो सोचती है कि वट डिफरेंस इट मेक इससे क्या फर्क पड़ेगा वो मेरी बात सुनेगी ही नहीं अगर मैं उसे नोट लिख भी दूँ तो वो मेरी बात नहीं सुनेगी बिकॉज मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और पैगी को सभी लोग पसंद करते हैं तो पैगी की सारी बात मानते हैं मेरे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा सो so, वो सोचती है कि पैगी वही करेगी जो उसका मन चाहेगा उसने कभी उसकी बात नहीं मानी अगर उसने कभी सही बात करने को बोला भी है तो वो रॉन्ग बता दी जाती है नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज एज फॉर वांडा शी जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपन द बोगिंग हिल्स वंडा के जैसे ही वो भी एक ऐसी लड़की है जो बोगिंग हिल्स हाइट पर रहती है Uh, वो भी स्कूल के यार्ड में अकेला खड़ी रहती है खड़ी हो जाएगी शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनी वन वो uh, किसी से शायद ही कुछ कहती है जैसे हमारी वर्णा है द ओली टाइम्स यी टॉप वॉज द यार्ड अबाउट हर हंड्रेड ड्रेसेज उसने सिर्फ एक ही बार लोगों से बात की है, वो की है उसके हंड्रेड ड्रेसेज के बारे में अब मैं इट रिमेंबर करती याद करती है हर टेलिंग अबाउट हर वन हंड्रेसेज बेल ब्लू ड्रेस विद कलर ट्रिमिंग तो वो कहती है कि वो बताती है कि उसके पास एक तो बेल ब्लू कलर की ड्रेस है और दूसरी ये कौन सी कलर की ड्रेस है यानी कि उसने अपने हंड्रेड ड्रेसेस में सिर्फ दो ही ड्रेसेज के बारे में उसको बताया है कि एक तो जंगल ग्रीन ड्रेस है बिल्कुल उस पर रेड पैचेज है जिसमें गर्ल्स विल से कि वो एक क्रिसमस ट्री लग रही है थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर हंड्रेड ड्रेसिज और अप इन द क्लोज इट मेडी वी गन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन एंड कलरिंग अब उनके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें उनको हंड उनको ड्रेसिंग डिज़ाइन बनाने हैं और बॉयज़ के ये गर्ल्स के लिए कंपटीशन है कि उनको डिज़ाइन करनी है कोई ड्रेस ड्राइंग बना के और बॉयज़ के लिए कि उनको डिज़ाइन करनी है मोटरबोट और इसके लिए उनको मेडल दिए जाएंगे और सबको पता था कि संभवता ये ही थी कि पैगी ही सारे मेडल जीतेगी सो so, पैगी ने बहुत सारे क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन बनाए थे एनी वन एल्स इन द रूम में देन एट लास्ट देट वॉज एवरीबडीज थॉट वो सभी यही सोचते थे कि पैगी ही जीतेगी और पैगी हमेशा एक चीज़ को करती थी वो करती थी कॉपी मैगजीन से उन फिल्म स्टार के हेड को बना के ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ येस देट वॉज अ ड्रेस एंड दिस इज़ वेरी नाइसली आउटफेटेड सो अब कल के लिए टाइम था कि वो नेक्स्ट डे उनकी टीचर जो है मिस मैसन, वो उनको रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी आफ्टर द नेक्स्ट डे डिजलिंग मैडी पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगी ज अमरीला नेक्स्ट डे जब जो वो स्कूल आ रही थी तब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी तब पैगी थे वो एक अमरीला के नीचे स्कूल पहुंच जाते हैं आज उन्होंने वेंडा पेट्रोस् के लिए वेट भी नहीं किया क्योंकि आज एक बड़ा दिन था वो बड़ा दिन क्या था वो थी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट नाओ यहाँ पैगी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि क्या आज मिस मैसन जो है वो विनर वो कर देंगे आज ना हो उसमें मै की कहती मैडी कहती है हो आई होप सो द मिनट विल गेट इन हमें थोड़ी देर में आंसर मिल ही जाएगा ये बात मैडी कहती है यू विल मिन पैग तुम जीत जाओगी पैग पैगी को बोलती है पैग क्या है छोटा शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैगी सो so, होप सो so, पैगी कहती है देन द मिनट दे एंटर्ड इन द क्लास रूम जैसे ही वो क्लास रूम में अंदर चलते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं और अमेज हो जाते हैं कि हर एक जगह चाहे वो लेज हो विडोज विंडोस विंडो भी लो विंडो सिलो और डेजलिंग हो बहुत अच्छे डिज़ाइन सारी जगह क्लासरूम में लगा रखे थे वो एवरी बडी वॉप देर एंडल्ड एंड मरमर एडमायरिंगली एज सुन एज द क्लास गैदर्ड इन द असेंबल मिस मैसन अनाउंस द विनर अब उन्होंने बॉयज में से पहला विनर बताया जैग वैगल्स जैग वैगल्स जिसने बहुत अच्छी न, आ, आ, बोर्ड सॉरी डिज़ाइन बनाया था आउटबोर्ड के लिए और उसका एग्जीबिशन रूम नंबर ट्वेल्व में है अलोंग विद द स्केचिज बाय द अदर नाउ आज फॉर द गर्ल्स अब लड़कियों की बारी है लड़कियों की बारी में अब रूम नंबर थर्टीन में सब प्राउडली सब ये कह रहे हैं पैक जीतेगी बट रूम नंबर थर्टीन में कुछ है ना अवर द मिस मै सन द्लास टीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर थर्टीन सेट द वंडा पेट इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल एवरी वन जस्ट शॉपड बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वेंड वॉज ऑ ऑबसेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज और सबको लगता था कि शायद वो कल आ जाए अपना इनाम लेने के लिए सभी उसके लिए बहुत सारी तालियाँ बजाते हैं और जैसे अब याद आती है हमारी मेडी को कि पैक देखो यहाँ एक ब्लू कलर का स्केच भी है जिसमें हमें Uh, अपनी वेंडा ने बताया था कि उसके पास ये ड्रेस है क्या ये बहुत ब्यूटीफुल नहीं है तो बैगी कहती कहती yes, यस वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सो एवरी वन हैज एडमायर्ड ऑल द ड्रेस इज डिज़ाइन बाई आवर वेंडा एंड ऑल द एग्जीक्यूशन वॉज डन इन रोल नंबर थर्टीन दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस वेरी चैप्टर एंड वी कम टू नो दैट दिस इज़ वेरी Amazing story in which a girl who has a poor background just drove the hundred dresses and she didn't lie, even she said that she had hundred dresses. Yes, she she had that. I hope this has been clear to you. All these questions should be clear to you. We will meet in the next video, the next lesson. We will meet in the next video.